स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल मास साहब की पाठशाला में। इस वीडियो में हम देखेंगे जो दीक्षा के 6 उच्च स्तरीय कोर्स लॉन्च हुए हैं अभी, जो आपको 31 जुलाई तक कंप्लीट करने हैं, उसके छठवें कोर्स प्रश्न पूछना के आकलन भाग में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए और उनके क्या उत्तर हैं। प्रभावी कक्षा शिक्षण के लिए शिक्षक और बच्चों की ओर से प्रश्न पूछना एक अत्यंत आवश्यक क्रिया है। कक्षा शिक्षण के दौरान जब बच्चे शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं तो शिक्षक को करना चाहिए तो सहज व सरल तरीके से उसका जवाब देना चाहिए। तो पहला ऑप्शन इसमें सही है। बच्चों से पूछे जाने वाले प्रश्नों के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं, बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, सही है, पाठ की पुनरावृत्ति के लिए, ये भी सही है, केवल नवीन ज्ञान से जोड़ने के लिए, ये गलत है, बच्चों के द्वारा प्राप्त ज्ञान के आकलन के लिए। तो इसमें पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन सही है। प्रश्न पूछते समय शिक्षक की आवाज़ व उसकी भाषा में होनी चाहिए, मधुरता होनी चाहिए, सुस्पष्ट आवाज़ होनी चाहिए, सहज व सरल होना चाहिए, कर्कशता नहीं होनी चाहिए। तो पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन सही है। वीडियो में एक शिक्षक पाठ को पढ़ाने के पहले बच्चों से कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, बच्चे अपनी समझ व अनुभव के आधार पर उत्तर दे रहे हैं। शिक्षक बच्चों को नवीन ज्ञान देने से पहले प्रश्नों के माध्यम से जानना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं बच्चों का, पूर्व ज्ञान। कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों से प्रश्न पूछते समय शिक्षक को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए, प्रश्नों की भाषा सहज व सरल हो, बच्चों को प्रोत्साहन दें, तुरंत पूछिए, तुरंत उत्तर लीजिए, ये गलत है, बच्चों को ध्यानपूर्वक सुने, ये सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन सही है। ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका में प्रभावी शिक्षण तकनीक प्रश्न पूछना के संभावित परिणाम या लाभ हो सकते हैं। बच्चे शोरगुल करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बच्चों को तार्किक चिंतन करने का मौका मिलेगा, सही है, कक्षा शिक्षण के समय सतर्क रहेंगे, सही बात है, अनुशासित रहेंगे, ये भी सही है। तो 2, 3, 4 ऑप्शन सही है। शिक्षक को अपनी कक्षा में पढ़ाते समय निम्नलिखित प्रकार के प्रश्नों को पूछना चाहिए, निबंधात्मक, मौखिक, लिखित, मौखिक व लिखित दोनों, इसमें मौखिक व लिखित दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछने चाहिए, इसका 4th ऑप्शन सही है। प्रश्न पूछना एक प्रभावी शिक्षण तकनीक है। शिक्षक प्रश्न पूछते समय निम्नलिखित बातों में से किसका ध्यान रखें, बच्चों के पूर्व ज्ञान का, सही बात है, कठिन प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा हों, गलत, प्रश्न छोटे व सरल भाषा में हों, सही, बच्चों के स्तर के प्रश्न हों, तो 1, 3, 4, तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, 1, 3, 4। शिक्षकों को हमेशा अपनी कक्षा में बच्चों को निम्नलिखित कार्य के लिए प्रोत्साहित करते रहना चाहिए ताकि वे अनुशासित, सतर्क व तार्किक चिंतन करते रहें, तो बच्चों से प्रश्न भी पूछते रहें जिससे वो एक्टिव रहें। ध्यानाकर्षण शिक्षण हस्तपुस्तिका में शिक्षण तकनीक 6 किससे संबंधित है, तो 6वीं शिक्षण तकनीक संबंधित है प्रश्न पूछना से। तो ये आपके 10 क्वेश्चन हो गए, इनको सबमिट करेंगे तो ये आपका स्कोर हो गया। तो इस तरीके से आपके 6 कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे। हर एक कोर्स में एक वीडियो है और एक आकलन भाग है, तो वीडियो 6 से 10 मिनट का है, तो उन वीडियोस को आप देखते रहिए, और आकलन भाग के प्रश्नोत्तर 1 से लेकर 6 तक सारे कोर्स के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।